आज हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री फैक्ट्स के सभी टर्म्स को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। लाइक किस टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाना है, स्क्रिप्ट कैसे जनरेट करना है, कैसे उस स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ इमेजेज वीडियोज एआई से जनरेट करवाने हैं, कैसे उसे अंततः एडिट करना है किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर। आज के इस वीडियो में मैं आपको A to Z प्रोसेस बताऊंगा। जीरो माइल से स्टार्ट करते हुए जैसे ही हम लोग स्टेप वन पे पहुंचेंगे तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके मन चाहे इमेज को कैसे जनरेट करते हैं। एंड उसके बाद जैसे ही हम लोग अगले स्टेप में पहुंचेंगे तो हम लोग यहाँ पर सीख जाएंगे कि कैसे मोनेटाइज होने वाले AI वॉइस को जनरेट करते हैं। थर्ड एंड लास्ट स्टेप में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे इन सभी इमेजेज और ऑडियो को एक जगह ला करके एक बेस्ट वायरल होने वाली शॉर्ट्स वीडियो को क्रिएट करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विथ नंबर जीरो। दोस्तों यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट जनरेट करने आया हूँ ChatGPT को, लेकिन मैं आपको कुछ अवेयर कर देना चाहता हूँ। लाइक मैं अभी जो भी स्क्रिप्ट यहाँ पे जनरेट करने वाला हूँ हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री फैक्ट के लिए, वो तो जनरेट करूंगा ही, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस नीश में आ रहे हो हिस्ट्री फैक्ट में, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है थोड़ा सोचने का, अपने आइडिया को थोड़ा एक्सप्लोर करने का। लाइक जब आप इसे स्टार्ट करने ही जा रहे हो तो कुछ ऐसा स्टार्ट करो ना जो आपको लाइफ टाइम इनकम दे। लाइक जैसे मैं अभी एक हिस्ट्री फैक्ट जनरेट करूंगा, लाइक मान लो भगत सिंह के ऊपर या फिर महात्मा गांधी के ऊपर, जो सबसे पॉपुलर है। शुरू में आप लोगों को कुछ ऐसा ही जनरेट करना भी चाहिए, मैं आपको सजेस्ट भी करता हूं। लेकिन मैं आपको एक जनरल चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप लोग जीरो से स्टार्ट करना, मतलब जैसे हम यहां पर स्टेप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप लोगों को हिस्ट्री को, प्राचीन इतिहास को लेकर चलना है। जैसे ही आप इस प्रकार से जनरेट करना शुरू करेंगे, लाइक प्राचीन इतिहास पर 10-15 वीडियो, मतलब 10-15 एपिसोड्स बना देंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे, एपिसोड नंबर वन में कुछ जानकारी देंगे, उसके ऊपर की जानकारी एपिसोड टू में देंगे, उसके ऊपर की जानकारी एपिसोड थ्री में देंगे, और उस प्रकार के जनरेट करने के बाद अगर आपका कोई भी एक वीडियो वायरल जाता है, लाइक 100 मिलियन 200 मिलियन, तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके हर एक वीडियोज में व्यूज आएगा। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसको उस वीडियो के एंड में बता देना है। अगर आप लोग हिस्ट्री को शुरू से देखना चाहते हो तो आप लोग इस चैनल पे जाओ और सबसे निचले वीडियो को देखना स्टार्ट करो एंड पूरे वीडियोज को देख जाओ, आपका हिस्ट्री थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस प्रकार का मेरा कुछ ओपिनियन है। तो चलिए हम यहाँ पर अब जनरेट करते हैं भगत सिंह के ऊपर कुछ फैक्ट। तो उसके लिए सिंपली आपको ChatGPT के ऊपर आ जाना है, और मैं तो आपको प्रीफर करूंगा कि आप लोग आर्टिकल्स पढ़ो, ChatGPT का यूज करो, लेकिन अपना स्क्रिप्ट खुद से जनरेट करो जो कि लाइफ टाइम और एवरग्रीन रहेगा। यहाँ पर अगर आप लोग ChatGPT का इस्तेमाल करते हो तो हो सकता है आपको कुछ फेक जानकारी भी दे दे, लेकिन थोड़ा सतर्क होकर आप ChatGPT का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स बिगिन। ChatGPT के ऊपर आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर एक छोटा सा टेक्स्ट यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखना है, टॉप 5 फैक्ट अबाउट भगत सिंह, या फिर जो भी आप जनरेट करना चाहते हो, जिस भी टॉपिक्स के ऊपर जनरेट करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इतना लिखने के बाद आपको सिंपली इस एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का टॉप 5 फैक्ट आ जाएगा। अब आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, कुछ हुक लगाना है वीडियो में, और आपको यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट रेडी करना है। और अगर आप लोग वीडियो को वायरल करना चाहते हो तो आप लोगों को इसका थोड़ा आइडिया लेना है और खुद का स्क्रिप्ट जनरेट करना है। लाइक यहाँ पर देख सकते हो, इस एक तरफ मेरा ChatGPT का स्क्रिप्ट है एंड दूसरे तरफ मैंने खुद से इसे जनरेट किया है, मतलब कि आर्टिकल्स पढ़ा और उसके बाद ChatGPT का सहारा लिया एंड इस स्क्रिप्ट को जनरेट किया, जिसे आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। एंड दोस्तों अब आपको फिर से ChatGPT के ऊपर आ जाना है एंड इस स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करवा लेना है, लाइक जो थोड़ा ओल्डी टाइप का लगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख देना है। इतना लिखने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो 5 प्रॉम्प्ट यहाँ पर जनरेट हो चुका है। अब आपको सिंपली आ जाना है लियोनार्डो AI वेबसाइट पर। अगर
अगर आप लोग लियोनार्डो AI को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लियोनार्डो AI डेली 150 टोकन इमेज जनरेट करने के लिए देता है, जिसका इस्तेमाल करके आप लोग 20 से 30 इमेज डेली जनरेट कर सकते हो, एंड वो भी हाई क्वालिटी में। तो अब आपको यहाँ पर आने के बाद सिंपली इमेज जनरेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इमेज जनरेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर एंड यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको इस एरो के ऊपर क्लिक कर देना है और ये लियोनार्डो विजन XL मॉडल को सिलेक्ट कर लेना है। मॉडल सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर नीचे में आ जाना है एंड इस एरो के ऊपर क्लिक करके 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। इतना सिलेक्ट करने के बाद अब आपको फिर से ChatGPT के ऊपर आ जाना है एंड यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। फिर से यहाँ पर आ जाना है और इस बॉक्स में उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका इमेज जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। सेम इसी प्रकार से आपको और भी इमेजेस जनरेट कर लेना है, जैसे यहाँ पे दूसरा प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। फिर से यहाँ पर लियोनार्डो AI के ऊपर आना है, इस बॉक्स में उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। लेकिन इस बार ध्यान रहे कि आपको इसका सीड कॉपी करना है, तो सीड कॉपी करने के लिए सिंपली आपको इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है एंड कॉपी सीड के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि आपका इमेज एक जैसा बने। कॉपी सीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको शो एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यूज फिक्स्ड सीड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ऑन कर देना है एंड जिस सीड को आपने कॉपी किया है उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सेम इसी प्रकार का इमेज, मतलब इसी प्रकार का फेस वगैरह आपको अगली इमेज में भी देखने को मिलेगा। लाइक अब यहाँ पे आपको सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो दूसरा इमेज जनरेट हो रहा है, तो देखते हैं कैसा रहता है इस इमेज के जैसा ये इमेज बनता है या नहीं। तो गजब, इसी प्रकार से अब आपको यहाँ पर ओल्ड इमेजेस जनरेट कर लेना है। तो चलिए सिंपली इन सभी इमेजेस को हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको कर्सर इस इमेज के ऊपर ले जाना है एंड यहाँ पर आपको डाउनलोड इमेज दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सेम इसी प्रकार से आपको सभी इमेजेस डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, मेरा खुद का स्क्रिप्ट रेडी हो चुका है, कैसा है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे 3 फैक्ट बताने थे जो कि मैंने अपने स्क्रिप्ट में ऐड किया है। और कैसा लगेगा वीडियो फाइनल आउटपुट आप जरूर कमेंट करके बताना। तो चलिए हम इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है 11 लैब्स वेबसाइट्स के ऊपर। यहाँ पर वो टेक्स्ट पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको जनरेट स्पीच के ऊपर क्लिक कर देना है। भगत सिंह के ये 3 फैक्ट, जिसे जानने के बाद आप भी उनके बहुत बड़े फैन हो जाएंगे। दोस्तों, वॉइस तो जनरेट हो चुका है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर एडम वॉइस को ही सिलेक्ट करके रखना है। अगर आप लोग 11 लैब्स को इस्तेमाल करना नहीं जानते हो तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एंड स्क्रीन में एक वीडियो आ जाएगा, या फिर आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार आप लोग जरूर देख लेना ताकि आप लोग अच्छे वॉइस जनरेट कर सको। वॉइस जनरेट होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर कोने में एक डाउनलोड का आइकन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका वॉइस जो है डाउनलोड हो जाएगा। एंड अब दोस्तों, आपको अपना फेवरेट एडिटिंग सॉफ्टवेयर लाइक कैपकट, प्रीमियर प्रो या फिर कैपकट मोबाइल वर्जन, जो भी आप यूज करते हो, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सभी रॉ मटेरियल्स लाइक फोटो और ऑडियो इंपोर्ट कर लेना है। तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपली आपको प्लस के ऊपर क्लिक करना है एंड आप अपने सभी इमेजेज और ऑडियो को अपलोड कर लो। तो यहाँ पर हम सिंपली इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले आपको अपना ऑडियो टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है एंड उसके बाद इस ऑडियो में थोड़ा सा छेड़खानी करना है, लाइक जहाँ पर ज़्यादा गैप है उसको कट करके थोड़ा फिल करना है। तो इसे कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑडियो में कट लगाने के बाद अब आपको सभी इमेजेस को फ्रेम बाय फ्रेम सेटअप कर लेना है एंड दोस्तों, इमेज को टाइमलाइन पर अच्छे से फिट करने के बाद अब आपको सभी इमेज में एनिमेशन डालना है। एनिमेशन डालने के लिए सिंपली आपको एक इमेज सेलेक्ट कर लेना है एंड एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके कॉम्बो में आ जाना है। कॉम्बो में आने के बाद सभी इमेजेस पे अलग अलग कॉम्बो एनिमेशन लगा देना है, लाइक शुरू में ये लगा दिया, इसी प्रकार से सभी पे आपको लगा देना है। अब वही एनिमेशन डालने के बाद अब आप वीडियो देखो कैसा हो गया। भगत सिंह के ये 3 फैक्ट, जिसे जानने के बाद आप भी उनके बहुत बड़े फैन हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, 27 सितंबर 1907 को। अब दोस्तों, ये एक नॉर्मल एडिटिंग हुआ, इसमें अगर आप लोग एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर देते हो तो आपका वीडियो नेक्स्ट लेवल बन जाएगा।
एंड बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के बाद अब आप वीडियो देखो। भगत सिंह के ये तीन फैक्ट जिसे जानने के बाद आप भी उनके बहुत बड़े फैन हो जाएंगे। फैक्ट इतना करने के बाद आपको कुछ टेक्स्ट इफेक्ट भी लगाना है। लाइक हम यहाँ पर एक टेक्स्ट इफेक्ट लगाए हैं, इसमें आपको जो आवाज में बोला जा रहा है उसको थोड़ा ऐड करना है ताकि वीडियो थोड़ा और इंगेजिंग हो जाए। जैसे हम यहाँ पर अभी सुन के आपको एक टेक्स्ट ऐड करते हैं, ये तीन फैक्ट जिसे जान तीन फैक्ट। तो तीन फैक्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर तीन फैक्ट लिख देना है। एंड दोस्तों पूरी एडिटिंग करने के बाद आप लोग वीडियो को थोड़ा झलक मारो। भगत सिंह के ये तीन फैक्ट जिसे जानने के बाद आप भी उनके बहुत बड़े फैन हो जाएंगे। फैक्ट नंबर एक। एंड दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो में सबटाइटल ऐड कर देते हो तो आपका वीडियो लाजवाब बन जाएगा। उसके लिए आप लोग कोई एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशन है। एंड साथ ही साथ आप लोग वेबसाइट से भी इसमें सबटाइटल ऐड कर सकते हो। अब दोस्तों वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी कुछ सेटिंग्स होते हैं। लाइक अगर आप लोग वीडियो को एक्सपोर्ट कर रहे हो वो फुल क्वालिटी में एक्सपोर्ट नहीं होगा तो आपको मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको 4K सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद फॉर्मेट में आपको MOV सेलेक्ट कर लेना है। एंड फ्रेम रेट को यहाँ पर बढ़ा करके 60 FPS कर लेना है जिससे आपके वीडियो की क्वालिटी एकदम मस्त रहेगा भाई। तो इतना करने के बाद सिंपली आपको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा तो उसको भी देखना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिजल्ट का एंजॉय करो। भगत सिंह के ये तीन फैक्ट जिसे जानने के बाद आप भी उनके बहुत बड़े फैन हो जाएंगे। फैक्ट नंबर एक। 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में पैदा हुए भगत सिंह महज 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में हंसते हंसते देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। फैक्ट नंबर दो। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला कांड हुआ था तो भगत सिंह उस प्लेस पर जाकर एक बोतल में खून से लिपटी मिट्टी को भर लेते हैं और अंग्रेजों से बदला लेने का कसम खा लेते हैं, जिस टाइम उसकी उम्र लगभग 12 वर्ष होती है। फैक्ट नंबर तीन। दोस्तों इंडिया के बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर महात्मा गांधी चाह लेते तो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचाया। इस बात पर आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताना।